Morning students, how are you? I hope you all are good and doing a good job. So today I am discussing your worksheet number 120B. This is your EVS worksheet of class 3, and the date is 29 November 2021. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section A, B, C, D, your name and your teacher name. After that you have to start this worksheet. Okay? तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं. आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 120B. तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट. प्यारे बच्चों, घर में आने वाला सभी प्रकार का सामान हम बाजार से खरीदते हैं. सामान को उसका मूल्य देकर खरीदा जाता है. सामान खरीदते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने दुकान से कितना सामान लिया, सामान के बदले हमने कितने रुपए दुकानदार को देने हैं और कितने रुपए हमें वापस मिलेंगे. तो आइए बच्चों, आज हम बाजार से जुड़े कुछ हिसाब के बारे में जानते हैं. तो जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं शॉप से, तो पहले आप उसका रेट पूछते हैं, फिर आपको कितना चाहिए होता है आप वो बताते हैं, और उसके बाद आप पैसे देते हैं. और अगर आपने ज़्यादा पैसे दिए तो दुकानदार आपको पैसे वापस करता है. तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कितने पैसे उसे देने हैं और वो हमें कितने पैसे वापस देगा, हमें क्या सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए, सामान कितने रुपए का आएगा, ये सारी बातों का. ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है. देखिए, आपको एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है ना, इसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल रखे हुए हैं. बच्चों, आप सभी कभी ना कभी अपने माता पिता के साथ बाजार में फल एवं सब्जियाँ खरीदने गए ही होंगे. आपको एक दुकान का दृश्य दिखाया गया है जिसमें फल और सब्जियों के मूल्य भी दर्शाए गए हैं. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए. पहले हम इसमें देख लेते हैं. ये देखिए, ये सब्जी वाले की दुकान है जिसमें सब्जी और फल दोनों है. तो यहाँ पर इस तरफ भी और इस तरफ भी अलग अलग फल और सब्जियों के रेट दिए गए हैं. जैसे ये टमाटर है 40 रुपये किलो, बैंगन 25 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, प्याज 50 रुपये किलो, 20 रुपये दर्जन, केला 60 रुपये किलो, नाशपाती 80 रुपये किलो, सेब और 70 रुपये किलो ये संतरा है. दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन में होते हैं 12 केले. ठीक है, केलों को हम किलो में नहीं लेते हैं, इसे हम दर्जन में लेते हैं. ठीक है, तो अब हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने. जैसे सबसे पहला प्रश्न है आपका, आपके घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार कौन जाता है? तो कौन जाता है, जैसे मेरे घर में मम्मी जाती है, तो मैंने लिखा, मैं यहाँ पर लिखूंगी मम्मी. ठीक है, आपके घर में जो भी जाता है आप उनका नाम लिख सकते हैं. आपके घर के पास आलू कितने रुपए प्रति किलो मिलते हैं? तो कितने रुपए प्रति किलो मिलते हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ 25 रुपए किलो मिलते हैं. ठीक है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? एक दर्जन में 12 केले होते हैं. ऊपर दिए गए चित्र में 50 रुपए प्रति किलो में क्या बिक रहा है? देखिए, प्याज बिक रहा है 50 रुपए प्रति किलो में. ठीक है, अगला है, यदि आप सामान खरीदने के लिए आप सब्जी खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं कपड़े के बैग का, तो मैं कपड़े के बैग का प्रयोग करती हूँ. ठीक है, कपड़े का बैग. सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों चाहिए? ताकि गंदगी साफ हो जाए. हमें सब्जियों को क्यों धोना चाहिए? ताकि गंदगी साफ हो जाए. सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते हैं या दर्जन के हिसाब से? तो सब्जियों को हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं किलो. अगला है, आपके घर के नज़दीक बाजार में संतरे कितने रुपए किलो हैं, पता लगाइए. तो मेरे घर के बाजार में संतरे जो हैं वो 60 रुपये किलो हैं. ठीक है, 60 रुपये किलो. एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए. जो एक जैसी दिखती हैं उन दो सब्जियों के नाम बताइए. क्या हो सकती हैं जो एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, क्या होती हैं बताइए? एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए. तो जैसे हमारी घिया और टिंडे, तो ये एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना. गोभी, जैसे ब्रोकली जिसे हम हरा गोभी भी कहते हैं, ब्रोकली और फूल गोभी भी एक जैसे दिखते हैं, फूल गोभी. ठीक है,
ये भी एक जैसे दिखते हैं। क्या बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और आप मास्क का प्रयोग करते हैं? हाँ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको आपकी ये वर्कशीट सॉल्व कर लेनी है। आपके घर में जो भी सब्जी लेने जाता है उसका आप नाम लिख दीजिएगा, और बाकी जो भी आपके यहाँ का रेट हो अपने मम्मी से पूछ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।